बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, और आज हम ऐड करना सीखेंगे पॉलिनोमियल्स को। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स गिवन है और हम इनको ऐड करेंगे हॉरिजेंटल मेथड से। हॉरिजेंटल मेथड से ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, अब हॉरिजेंटल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, फर्स्ट वाली जो हमारी वैल्यू है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम उसको उसी तरह लिख देंगे। अब हम सेकंड वैल्यू को कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास प्लस 7x² प्लस माइनस माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 2, ये हमारे पास दोनों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो थी वो हमने लिख ली। अब हम लाइक टर्म्स को एक दूसरे के पास ले आएंगे। अब हमारे पास है फर्स्ट वैल्यू 9x², हम वो लिख लेंगे। अब इसकी जैसी जो इस टर्म है वो ये है हमारे पास 7x, हम उसको इसके नजदीक ले आएंगे। नेक्स्ट है प्लस 4x, वो लिखा। 4x की जो लाइक टर्म है हमारे पास वो है माइनस 3x, हमने वो लिख ली। नेक्स्ट प्लस 3, और इस जैसी जो टर्म है वो हमारे पास माइनस 2, ये लिख लिया। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। प्लस प्लस साइन, जब इसके साथ कोई साइन नहीं हो तो इट्स मीन यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस 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 9 में 7 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16x². देन प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का लगा लेंगे जो कि है 4। अब 4x में से 3x को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास पीछे बच जाएगा 1x, तो हम जस्ट x लिख लेंगे। देन प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो ये आ गया जी हमारे पास आंसर। अब अगर हमारे पास यू ही यही वैल्यूज गिवन है, मैंने सेम वैल्यूज यूज की है और वर्टिकल मेथड से हम इन्हें सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम फर्स्ट टर्म लिख लेंगे और फर्स्ट टर्म के बाद हमारे पास जो सेकंड टर्म है उसको हमने देख के लिखना है कि लाइक टर्म्स जो है वो एक दूसरे के नीचे हमने लिखनी है। जैसे हमारे पास है ये 9x², तो हमने x² देखना है कि यहाँ पे x² कहाँ है, तो जहां पे भी x² होगा हमने उस x² को वाली वैल्यू को इसके नीचे लिख लेना है। अब यहाँ पे 9x² है, ये 7x², तो हम 7x² को 9x² के नीचे लिख लेंगे। देन 4x, तो यहाँ पे हमारे पास है 3x माइनस 3x, हमने वो लिख लिया। देन हमारे पास कांस्टेंट है जी प्लस 3, तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है माइनस 2, हमने वो वैल्यू लिख ली। अब हमने इनको ऐड करना है, प्लस कोई साइन नहीं है, इसमें दोनों के साथ प्लस है तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। 9 में हमने 7 ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 16। x² और x² है तो यहाँ पे x² उसी तरह लिखने हो जाएगा, ये वाली वैल्यूज ऐड नहीं होंगी। जस्ट हमने इनके साथ जो कोएफिशिएंट लिखे हुए होते हैं उनको ऐड करते हैं। प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का लगा लेंगे जो कि है प्लस का साइन। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास आ जाता है 1, और एक्स उसी तरह हम लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ जाता है 1। तो ये आ जाएगा जी हमारा आंसर। और जब भी हमारे पास यहाँ पे x के साथ 1 आए तो हम अगर 1 ना भी लिखें तब भी हमारा आंसर ठीक होगा। और कोई भी वेरिएबल यहाँ पे किस वेरिएबल के साथ कोई भी कोएफिशिएंट ना लिखा हुआ हो तो इट्स मीन वहां पे 1 ही होता है। तो यहाँ पे आप ये हमारे पास है हमारा आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी हमारे पास एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल आ जाए और हमने दो पॉलिनोमियल्स को या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना हो तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल मेथड भी यूज कर सकते हैं और वर्टिकल मेथड भी। हॉरिजॉन्टल में हमने उसको हॉरिजॉन्टली लिखना है और सॉल्व करना है, जबकि वर्टिकली में हमने उनको यू वर्टिकली लिखना है और ऐड कर देना है।